सभी साथियों को जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम रद्द को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आप सभी को पता है कि पिछले दो दिन से धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है। सरकार और बोर्ड पर पूरा दबाव बनता जा रहा है एग्जाम रद्द करने के लिए। तो पूरा डिटेल बताने वाले हैं आप, कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। चलिए देखते हैं पूरा डिटेल की क्या जानकारी निकल कर आ रही है परीक्षा रद्द को लेकर। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी परीक्षा रद्द को लेकर दोबारा आयोजित किए जाने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विधायक भी अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब विधायक भी धरना प्रदर्शन में उतर गए हैं। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है प्रेशर बनता जा रहा है। 99% चांस एग्जाम रद्द होने की, लेकिन अभी तक जो अपडेट निकल कर आ रहा है आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से लिखित परीक्षा खत्म करा ली गई है। परीक्षा के बाद पेपर लीक का मामला गर्मा गया है। अभ्यर्थियों द्वारा एग्जाम फिर से कराने की मांग की जा रही है, साथ ही अभ्यर्थी पेपर लीक मामले की जाँच कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने पेपर लीक की खबरों को अभी भी निराधार बता रहा है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा अभी भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार 18 फरवरी 2024 को दिन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इतना पदों पर जो परीक्षा लिया गया था, बोर्ड के द्वारा अभी भी कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द, अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करके दोबारा आयोजित किए जाने की मांग करें। हालाँकि बोर्ड अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बोर्ड अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है। बोर्ड ने कहा है कि पेपर लीक की खबरें निराधार है। बोर्ड कह रहा है कि आप आधार कार्ड के साथ उसकी पूरी जानकारी के साथ आप यहां पे शिकायत दर्ज करवाइए। आप सही बताइए कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप बताइए कि कहां से एग्ज़ाम लीक हुआ है, क्योंकि जो पेपर आउट हुआ है वो पुराना पेपर को, इधर उधर का पेपर को अपडेट करके यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो नए तरह से मिक्सअप करके भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इस तरह की कोई अभी तक अपडेट नहीं है। तो अगर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो चलिए, अभी तक एग्ज़ाम कैंसिल के लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।